सो हेलो एवरीवन, आज 23 जनवरी है और मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर विधान सारणी आया हूँ और यहाँ पे उनका जो है ये एक पर्व के तरह उनका जन्मदिन को मनाया जाता है। और यहाँ पे ये दुकान जो देख रहे हैं लक्ष्मी नारायण साहो एंड सन्स, यहाँ पे वो जो है फुलौरी आलू चॉप खाते थे नेताजी। तो चलिए मैं थोड़ा आपको पहले कुछ दिखा देता हूँ, वो यहाँ पे जो सजावट हुई है, उसके बाद प्रोसेशन भी हुआ था वो उसका भी मैं रिकॉर्डिंग करके आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो है इस इधर ही स्कॉटिश चर्च कॉलेज भी है जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जीबिशन के तरह कुछ लगाया हुआ है जहाँ पे क्लब वालों ने या बच्चों ने सभी ने पेंटिंग्स बनाकर यहाँ पे लगाए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में विद्यासागर जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, सभी हैं। और नीचे जो है नेताजी का के रिलेटेड पिक्चर्स बने, जैसे इनकी फौज सेना है, फिर किसान के साथ हैं, इस तरह। ऊपर देखिए विवेकानंद, रामकृष्ण, परमहंस जी, काजी नजरूल जी हैं। उनके बाद ये देखिए टेंट लगाया, उसके बाद नेताजी का। ये बहुत ही अच्छा है, अगर आप लोग भी अगर इस बार नहीं आ पाए तो आप देख ले, बट नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर आ सकते हैं। और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह रात में होते हैं तो उनका यहाँ पे एक स्टेज लगा हुआ है। तो नेताजी का जन्मदिन यहाँ पे बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं भगवान की तरह मनाया जाता है। और यहाँ पे जो लक्ष्मी नारायण जो शॉप है वहाँ पे नेताजी जो है फुलौरी आलू चॉप वगैरह खाने के लिए आया करते थे। ये देखिए विधान सारणी का यहाँ पे आप ये पूरा फेमस है। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेशन स्टार्ट हो चुका है, तो मैं आपको प्रोसेशन के कुछ क्लिप्स आपको दिखा रहा हूँ जिससे आप घर बैठे आपको एक अंदाज़ा लगेगा क्या हुआ था, कैसा हुआ था। तो बहुत ही लंबा प्रोसेशन था, आप अगर आकर देखे होंगे तो आपको इतना लंबा प्रोसेशन था, बट फिर भी मैं कुछ कुछ पोर्शंस को आपके सामने रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। तो आप लोग इसे देखिए और इन्जॉय कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी एज ग्रुप के लोग, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने स्कूल के जैसा मनाया जाता है। तो आप देखिए और बहुत ही आनंद मिलेगा आपको इस जगह पे आने से। मुझे तो बहुत अच्छा फील हुआ, प्राउड फील हुआ। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ये लेडीज और जेंट्स लोग अपने साउंड म्यूजिक से गाना गा रहे हैं। और चलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ ताकि आप इस प्रोसेशंस में जो भी आवाज़ें आ रही हैं उसको सुनिए, इसीलिए मैं थोड़ा कम बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सुन पा रहे होंगे कि सभी लोग जो है यहाँ पे नेताजी के ये उनके न्याय दिलाने की बातें कर रहे हैं, या आप बोल सकते हैं जो पॉलिटिकल नेता नेताजी को टेररिस्ट मानते हैं और ऊपर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, तो ये सब यहाँ पे आप हो रहा है, आप सुन सकते हैं। Hey, soy del rock.
और एक बात मैं बता दूँ, वहाँ जो लक्ष्मी नारायण जो शॉप मैंने दिखाया था वहाँ पे आपको इस दिन आज के दिन सुबह 8 बजे से दोपहर में 1-2 बजे तक आपको फ्री में आलू चप, प्याजू, फुलौरी, बैंगनी चप ये सब मिलता है। तो आप इस दिन आकर वहाँ पे फ्री में भी खा सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मैं लेट हो चुका हूँ और यहाँ पे मैं जस्ट 3 बजे के करीब मैं पहुँचा हूँ। तो यहाँ पे मैं करीब 3 बजे पहुँचा था, तो मैं सोचा कि शाम में तो यार पैसा से खा ही लूँगा, मुझे प्राउड फील होगा कि जहाँ नेताजी खाते थे वहाँ मुझे बट अनफॉर्चुनेटली जब पता चला तो स्टाफ वगैरह थक जाते हैं, आज के दिन दुकान बंद रहता है, तो आज वो मौका नया मतलब चूक गया मेरे से। अगर पता होता कि आज खाने को शाम में नहीं मिलेगा, पैसा से भी नहीं मिल पाएगा, तो मैं सुबह ही जाता था। बट खैर कोई बात नहीं, चलिए जो भी चीज़ें होंगी कुछ होनी चाहिए, तो हो गया। चलिए आपको मैं प्रोसेशन दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके कोलकाता ट्रैफिक पुलिस भी दिखाई दे रहे होंगे इस प्रोसेशन में, जो ये संभालने के लिए हैं वो लोग। और यहाँ पे कुछ पर्चियाँ बांटी जा रही है, तो एक पर्ची इन्होंने मुझे भी दिया है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं सभी एज ग्रुप के लोग हैं, मतलब और सभी लोग मतलब लेडीज हो या जेंट्स हो, बच्चे हो, स्कूल बच्चे हो, हमारे उम्र के लोग 20 ईयर 25 ईयर के हो, 40 साल 50 साल सभी लोग हैं यहाँ पे। ये एक होती है एकता, यहाँ सभी लोग मतलब इसको पॉलिटिकली कोई ना ले प्लीज। तो यहाँ पे जो है मुझे पर्ची मिली है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पद यात्रा, तो ये पद यात्रा के ऊपर यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन किया गया है, प्रोसेशन जो आज चल रहा है 23 जनवरी 2021, तो इसके ऊपर दिया गया है। तो इसको आप लोग पढ़ पाएंगे तो पढ़ लीजिएगा आप धीरे धीरे, अदरवाइज मैं तो अभी ये नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बाद में पढ़ता हूँ। तो अगर आप लोग कभी ध्यान सारे नहीं आए तो जरूर यहाँ पे जरूर आए, बहुत ही भैया लक्ष्मी नारायण साहब पूछ भी लेंगे सभी लोग बता देंगे। पास में इस चर्च स्कूल भी है, तो आपका और यहाँ से 15 मिनट पैदल चलेंगे तो आपको स्वामी विवेकानंद जी का घर आ जाएगा जहाँ वो रहते थे। तो और जो लोग कोलकाता साइड से नहीं हो और कोलकाता में नहीं रहते बंगाल के अलग क्षेत्र में हो, बंगाल से बाहर हो, तो अगर आपको लगेगा कि रोड पे ये लोहा जैसा रेल लाइक पटरी क्या बना हुआ, हमारे यहाँ तो नहीं होता है, तो मैं बता दूँ कि अपने ट्राम गाड़ी का नाम सुना हूँ, कोलकाता में ट्राम चलता है, तो ये ही वो ट्राम गाड़ी का रेल लाइन है। एक्चुअली वो रेल की तरह ही दिखता है, आप नेट पे सर्च करके देख सकते हो ट्राम कैसा होता है, 2 डब्बों का 1 डब्बों का रेलगाड़ी है ट्राम, तो वो उसी रास्ते पे जो पटरी बना हुआ है उसी के ऊपर वो चलता है। तो ये प्रोसेशन आई थी बहुत लंबा प्रोसेशन, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं कुछ कुछ चीज़ें को तो आपका वीडियो नहीं दिखा सकता, नहीं तो वीडियो बहुत ही आधे घंटे से जा रहा है यार ऊपर चले। अमर रहे नेताजी, अमर रहे, 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 अम
तो आई थिंक अब ये थोड़ा थोड़ा कोशिश है, तो चलिए मैं ठीक गई है। तो ये प्रोसेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर खाना आपका इच्छा हो तो खाना प्रोसेशन आप देख सकते हैं। और अभी हम लोग थोड़ा दुकान के तरफ तो जाना चाहते थे, लेकिन आज दुकान तो अब बंद हो गई है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर मैं कभी और ऐसी जगह जाऊँ तो वही आपके साथ शेयर करूँ। तब तक आप और भी वीडियोज देखिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यादें इस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट जय हिंद सेवा सम्मान पत्र 23 तारीख, और मेरा नाम देख सकते हैं आकाश साहब कलकत्ता लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जितने भी लोगों को गेस्ट को इनवाइट किया गया था उन सभी को ये प्रदान किया गया था, एंड आई एम आल्सो वन ऑफ द गेस्ट, सो ये मुझे ये सर्टिफिकेट प्रदान की गई थी। तो आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अच्छा लगा है तो देखिए सर्टिफिकेट को भी।